So hello everyone, good morning all of you guys. You are watching channel asisjha.info, sorry, asisjhahindi.info. friends, today we will discuss a very important topic of critical thinking, and it's also important of the point and it's also important for the point of view the open book examination August 2020. So that's friend, let's see this video for your developing and understanding the concepts. Dosto, aaj ka jo topic hai uska naam hai meaning, conceptions and understanding. और फ्रेंड्स, ये टॉपिक जो है एक बुक है, बहुत ही फेमस बुक है, हाउ वी थिंक बाय जॉन डेवी. उस राइटर के द्वारा ये बुक लिखी गई है, उनके द्वारा. बहुत ही एक फेमस और अच्छे राइटर हैं वो. तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वही मीनिंग, कंसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग. तो फ्रेंड्स, जो मीनिंग है उसको हिंदी में अर्थ बोलते हैं, और जो कंसेप्शंस एंड अंडरस्टैंडिंग है उसको अवधारणा और उसकी समझ, या जो कह सकते हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग है उसको समझने के अलग अलग तरीके हैं, और जो अंडरस्टैंडिंग है उसके अंतर्गत मीनिंग को समझने के डिफरेंट मेथड है. तो फ्रेंड्स, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, और मैं अभी आपको इस पर विस्तृत रूप से इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाने का कोशिश करूंगा. और दोस्तों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो फ्रेंड्स, इसका जो मतलब ये जो टॉपिक है, एक तो बहुत ही अपने आप में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और यह एग्जाम में भी आता ही है, और इसका प्रयोग लाइफ में हर जगह होता है. ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं डिस्कस करता हूँ ये टॉपिक. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग की. तो दोस्तों, मीनिंग का मतलब क्या है? मीनिंग का मतलब होता क्या है? एक्चुअल में जो मीनिंग होती है वह क्या बिल्कुल ठीक होती है, या हमें उसे ठीक करने के लिए कुछ प्रोसेस से हमें गुजरना होता है? तो हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मीनिंग है, मीनिंग को जानने के लिए, एक मिनट, मीनिंग को समझने और जानने के लिए भाषा इम्पोर्टेंट है. सबसे पहले हम दोस्तों ये जो मीनिंग है, जो मीनिंग है उसको समझने से पहले हमें भाषा को समझना इम्पोर्टेंट है. तो फ्रेंड्स, अब मैं इस पर आपको विस्तृत रूप से बताता हूँ. वीडियो थोड़ी हो रही है. तो देखिए दोस्तों, मीनिंग को समझने से पहले भाषा इम्पोर्टेंट है, और हम भाषा से ही मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, जैसे जो हमारी लाइफ है, जो हमारी जीवन है, उसको जीने के लिए हम भाषा इम्पोर्टेंट, और भाषा से ही हम सबसे बातचीत करते हैं, चाहे वो इंग्लिश भाषा हो, हिंदी भाषा हो, कोई सी भी भाषा हो. तो भाषा से हम सभी से बातचीत करते हैं, और
बातों को अलग अलग तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मीनिंग जो है यह एक एक्टिविटी है, और हाँ तो मीनिंग में जो है, एक मान लीजिए मैं अगर किसी को ये बोलूं डॉग, किसी बच्चे को, और अगर वह बच्चा डॉग को उसने देखा है अगर, तो वो तुरंत समझ जाएगा डॉग मतलब क्या होता है। तो वो तो समझ जाएगा डॉग मतलब एक कुत्ता होता है। तो जो इसमें कुत्ता है मतलब जो डॉग है वह एक कॉमन चीज है, और हो सकता है उसका कलर ब्लू, वो सॉरी ब्लू कह दिया मैंने, हो सकता है उसका कलर ब्लैक हो, व्हाइट हो, ब्राउन हो, तो कलर डिफरेंट है उसके, बट जो कॉमन है वह डॉग है। तो फ्रेंड्स अब मैं इस पर चर्चा करता हूं। तो वो जो बच्चा होता है वो समझ लेता है कि नहीं, हमें कलर के चक्कर में नहीं पड़ना है, इसमें कॉमन जो एक चीज है उसको हमें समझना है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बतलाता हूं, हाँ तो देखिए दोस्तों, जैसे मान लो बचपन ही है, जैसे बच्चे को हम देखते हैं उस, अगर हम उससे ये पूछें ए फोर क्या होता है तो वो बताएगा एप्पल। एप्पल मीन्स क्या होता है, सेब। तो उसे तो पता है सेब क्या है, और तो वह तुरंत बतला देगा, हाँ भले ही सेब का साइज छोटा हो, बड़ा हो, अलग थोड़ा कलर मतलब थोड़ा गिरा हुआ हो, जैसे हरा हो, लाल हो थोड़ा सा, तो ये तो उसके कलर थोड़े से अलग है, बस जो उसमें कॉमन है वह सिर्फ और सिर्फ एप्पल ही है। तो सही से मीनिंग को समझना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और मीनिंग हमारे जीवन को एक अलग बना देता है, मतलब एक अलग दिशा की ओर जाने के लिए हमें अग्रसित करता है। आज थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, सो फ्रेंड्स अब मैं बात करता हूं कॉन्सेप्शन की, कि कॉन्सेप्शन का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, एलिफेंट है, डॉग है, काऊ है, गाय, काऊ का मतलब जैसे गाय, हाथी है, डॉग है, तो एक बच्चा जो है उसके प्रति अपना अवधारणा या कॉन्सेप्ट को डेवलप करना चाहता है। पहली शिक्षा जो है उसे अक्षर का बोध होता है, मीनिंग हमारे मन में या हमारे अंदर एक कहीं एक तरीके से, तो पूरी तरह से हमारे अंदर समा जाता है। तो फ्रेंड्स इसलिए हम देखते हैं कि कॉमन चीजों का हमें बोध हो जाता है, और जो वो बच्चा है उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है मीनिंग को जानने की, समझने की। तो मीनिंग जब एक इंडिविजुअल विजुअलाइज्ड हो जाती है, या मतलब तरीके से बोलें कि हाँ, मीनिंग जब इंडिविजुअल इंडिविजुअल के लिए अलग अलग मीनिंग हो सकता है, जैसे कि मान लो मैं हूं, मेरे लिए किसी वर्ड का मीनिंग मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अलग होगा, आपके लिए अलग हो सकता है। तो जब मीनिंग इंडिविजुअलाइज्ड हो जाती है तो वह एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, और जब एक कॉन्सेप्ट है तो वह एक मतलब अवधारणा जो है वह एक परिभाषित अवधारणा में परिवर्तित हो जाती है। तो जो कॉमन है, कॉमन को हम जब जनरेट कर लेते हैं, वही मीनिंग का सबसे मेन पार्ट है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग। तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग में क्या होता है कि मीनिंग के प्रति एक इंटेंशन है, मतलब एक सेंस का डायरेक्शन है उसमें। कॉन्सेप्ट डेवलप्ड होते ही हम उसे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो डिफिनेशन के तीन प्रकार हैं। पहला है डिनोटेटिव, इसमें मतलब हम डिनोट करते हैं बिल्डिंग क्या है, ट्री क्या है, तो हमारे माइंड में इन सब चीजों की एक पिक्चर आ जाती है, इसको एक पिक्चोरियल फॉर्म भी आप कह सकते हो। दूसरा आता है एक्सपोजिटरी फॉर पेडागोजिकल मेथड, मतलब इसके अंतर्गत क्या होता है कि टीचिंग का क्या मेथड है, इसका प्रयोग टीचिंग में समझाने में होता है,
इस शब्द को समझने के लिए कई वर्ड का यूज करते हैं, जैसे टाइगर या एक, अब मान लीजिए मुझे किसी को समझाना है कि टाइगर क्या है, तो मैं उसे यह बताऊंगा जो टाइगर है वो एक बिल्ली की प्रजाति है और ये थोड़े थोड़ा बिल्ली की तरह ही दिखती है। फिर तीसरा आता है साइंटिफिक। तो साइंटिफिक के अंतर्गत दोस्तों क्या होता है कि हम चीजों को साइंटिफिक तरीके से देखते हैं, जैसे कि मान लो कहीं पे आग लगा हुआ है तो हम बोले कि जरूर वहां धुआं उत्पन्न होगा इसलिए वहां आग लगी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था डेफिनेशन, जो मीनिंग के अंदर जो डेफिनेशन है उसमें तीन टाइप्स हैं। मीनिंग से हम पूरे वर्ल्ड को समझ लेते हैं, उसे डेवलप भी करते हैं। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग, एक खास सिचुएशन, एक खास स्थिति में क्या मायने होगा। एग्जांपल मान लो किसी को पेपर के बारे में जानकारी नहीं है कि पेपर क्या होता है, तो मान लो कोई व्यक्ति कोई मान लो अखबार वाला है, वो रास्ते में पेपर लेके जा रहा है, पेपर पेपर, तो मान लो वहां पे कई लोग देखेंगे बोलेंगे ये पेपर पेपर क्या चिल्ला रहा है, पेपर क्या होता है, तो किसी के मन में होगा कि ये ड्राइंग वाला पेपर तो नहीं कह रहा, और कोई सोचेगा कि नहीं पेपर, ये तो पेपर फेंक रहा है सबके घर में, तो देखे सब लोग देखेंगे कि नॉइज, वो ये लोग देखेंगे कि जो वो बोल रहा है कि पेपर पेपर, वो मतलब पेपर बांट रहा है। फिर लोग सेंस को यूज करते हैं, फिर कई लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि पेपर न्यूज़पेपर है या ड्राइंग पेपर है। तो दूसरे केस में वो जो व्यक्ति है पेपर रखने वाला, सबके घर जो रखने आता है, तो वो पेपर घर पे मतलब रख जाता है, सभी घर के अंदर डाल देता है, मतलब गेट से उनके घरों के नीचे। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज समझने वाली है वो है कॉन्टेक्स्ट। हर जगह अलग अलग कॉन्टेक्स्ट होता है चीजों को समझने के लिए, मतलब इसको हिंदी में अगर मैं बोलूं तो संदर्भ, संदर्भ कहेंगे इसे। और दोस्तों अब मैं इसी टॉपिक पर विस्तृत रूप से चर्चा करने जा रहा हूं, आप इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, एक सेकंड। हाँ दोस्तों आप सुनिएगा, मान लीजिए जब मैंने कॉमन की बात की थी तो उसका एक नया एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए आप सब लोग, जैसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़का या स्टूडेंट्स, मान लीजिए कोई जीन्स पहनता है, किसी को जीन्स पहनना बहुत अच्छा लगता है, तो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन जीन्स है। बट जो जीन्स के कलर्स हैं वो डिफरेंट है, तो जब हम कॉमन को जनरेट कर लेते हैं तो वह एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। अब जैसे लकड़ी है, जो मान लीजिए लकड़ी होती है जिसका हम प्रयोग सामान बनाने में करते हैं, जैसे लकड़ी का कुर्सी है, बेड है, टेबल है, तो उसका प्रयोग सामान बनाने में होता है, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है, हम बोलते हैं कि आम की लकड़ी, सागवान की लकड़ी, शीशम की लकड़ी है, तो उसमें कॉमन लकड़ी ही है, बस लकड़ी का जो टाइप्स हैं वो अलग है। तो दोस्तों जो ये कॉमन है, हम कॉमन को फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये समझना भी इम्पोर्टेंट है। इसके लिए दो मेथड का यूज होता है, इंडक्शन और डिडक्शन। पहले हम स्टार्टिंग इंडक्शन से करेंगे, जो हम स्टार्ट करेंगे पहले कॉमन को फाइंड आउट करने के लिए इंडक्शन से स्टार्ट करेंगे, और फिर हम उसे डिडक्शन पर जाकर कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अब एक कॉन्सेप्ट आता है मीन्स कॉन्सेप्शन का, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मीनिंग को समझने में मिसकॉन्सेप्शन क्या है। तो हम क्या करते हैं मीनिंग को समझने में, जब हम समझने की कोशिश करते हैं, हम कॉमन को समझने के बजाय पर्टिकुलर को समझ लेते हैं, या मतलब हम विशेष को मानने लगते हैं। जैसे मान लो सागवान की लकड़ी बहुत ही अच्छी है, पर ऐसा नहीं होता है कि वो हमेशा हर वस्तु को बनाने के लिए उपयोगी ही हो सकता है कि उसके कुछ नुकसान भी हो, ये भी हो सकता है। तो पार्टिकुलर के बाद
हम जनरल मीनिंग को प्राप्त कर लेते हैं। जब मीनिंग एक कॉमन बन जाता है तो हम उसे कॉमन के आधार पर डिफाइन करने की कोशिश करते हैं या परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। तो मीनिंग में एक अर्थ का संप्रेषण होना चाहिए। और गाइस, कॉन्सेप्शन के आधार पर हम डेफिनेशन देने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि मैंने आपको तीन टाइप्स बताया था। एक बार फिर दोबारा बता देता हूँ। पहला है पिक्चोरियल फॉर्म, जैसे पेड़ क्या है, हाथी क्या है, सेब क्या है, हमारे दिमाग में इसकी तस्वीर आ जाती है। तस्वीर के आधार पर हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा है पेडागोजिकल, शैक्षणिक विधि। तो दोस्तों, किसी व्यक्ति को हम अलग अलग एग्जाम्पल से समझाते हैं। टीचिंग का मेथड है, जैसे मान लीजिए सुशांत सिंह राजपूत का ये केस चल रहा है, तो कई बार हमें इन केस स्टडीज का सहारा लेना पड़ता है टीचिंग में मतलब एक टीचर को, ताकि बच्चा आसानी से मीनिंग को समझ सके। और फ्रेंड्स, तीसरा है साइंटिफिक। जब कोई अनिवार्य लिंक बन गया हो कि मतलब मान लीजिए पहाड़ पर धुआं है तो इसका मतलब वहां आग है, तो हम कहते हैं ना कि ये तो एक विज्ञान बन गया। अब आते हैं अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। कई बार कॉन्सेप्ट तो हमें पता होता है पर हमें सिचुएशन ठीक से पता नहीं होता। हमें उसमें ये देखना होता है इसका स्पेस क्या है, टाइमिंग क्या है, और मतलब ये जो सिचुएशन है या एक कॉन्टेक्स्ट है, मतलब उस संदर्भ में उस समय पर उस चीज का क्या मतलब होगा, वो एक समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे वाटर, वाटर का मतलब होता है पीने वाला पानी। तो यहाँ विशेष केस में क्या होगा, पर्टिकुलर केस में इसका मीनिंग या पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मीनिंग होगा, कि वाटर पीने का पानी नहीं है, वाटर मूवी भी है, कई टाइटैनिक फिल्म बन चुकी है वाटर के ऊपर। तो वहां जब हम वाटर बोलते हैं तो इसको इसके एक अलग मीनिंग निकल कर भी आता है। जैसे समुद्र में पानी का लेवल बढ़ रहा है, तूफान आ गया, बाढ़ भी आ सकती है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में वाटर का मतलब अलग अलग होगा। जैसे कलर है, या मैं बोलूं जैसे कि ब्लैक, तो ब्लैक का मतलब कलर है, और ब्लैक पर एक मूवी भी बनी थी, जैसे रणबीर की नीति, और जो जॉन डो भी हैं जिन्होंने इस बुक को लिखा है हाउ वी थिंक को, जो उनकी एक बुक है, अपनी पुस्तक में उनको एक पेपर के उदाहरण से समझाया, जो कि मैंने आपको भी पहले थोड़ी देर पहले बताया भी था। उन्होंने कहा है कि मान लो कोई व्यक्ति इसको पेपर का कुछ पता ही नहीं है, तो वह हल्ला कर बोलता है पेपर पेपर पेपर। तो पहले इसमें क्या बात हुई कि लोगों को शोर से समझ आ जाएगा, नॉइज से पता चलेगा कि हाँ वो व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है एक्चुअली। फिर पेपर को फेंकने से समझ आ जाएगा, जब वो व्यक्ति पेपर फेंक रहा होता है सबके घरों में। तो दोस्तों, अब थर्ड आता है इंग्लिश वर्ड, कि वो इंग्लिश वाला पेपर फेंक रहा है, हिंदी वाला फेंक रहा है, फिर भी हमें यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट को समझना इम्पोर्टेंट होता है। और मीनिंग जो है वो मीनिंग के दो प्रकार है, डायरेक्ट मीनिंग और इनडायरेक्ट मीनिंग। डायरेक्ट जो हमें दिखाई पड़ रहा है, मान लीजिए हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं और किसी का मान लीजिए वहां एक्सीडेंट हुआ, तो हम देखते हैं कि पुलिस आई हुई है, कुछ तो जरूर बात है, एम्बुलेंस आई हुई है, किसी को चोट लग गई या मर्डर हो गया, कुछ भी हो गया ऐसा खतरनाक सिचुएशन, तो फिर हम अपने फ्रेंड्स को मान लीजिए कॉलिंग करते हैं कि भाई यहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है, जल्दी आ जाओ फटाफट। तो इसमें क्या हुआ कि हमने मीनिंग को डायरेक्ट वे में देखा। और जैसे मान लीजिए कि कॉलेज का ही एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, अगर मान लीजिए मैं आपको कॉलेज का एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए हम घर से निकलते हैं कॉलेज के लिए, जब हम क्लास लेने जाते हैं कॉलेज में, मान लीजिए हम कॉलेज गेट पे आए और उस समय हुआ क्या कि हमने अचानक से देख लिया कि कॉलेज के अंदर पुलिस खड़ी है, या सीआरपीएफ की टीम बुलाई गई है कॉलेज प्रिंसिपल के द्वारा या कॉलेज स्टाफ के द्वारा,
तो हम मान लीजिए एक तरह से डर जाते हैं और फिर हम अपने पेरेंट्स को फोन कर लेते हैं, फोन करने की कोशिश करते हैं, फोन करते हैं कि भाई यहाँ पे पुलिस आई है, ऐसी ऐसी बात है, तू मत आ या जो भी है। फिर दूसरा है इनडायरेक्ट मीनिंग। हम मीनिंग इनडायरेक्ट मीनिंग में मीनिंग के बैकग्राउंड को हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए वहाँ कोई टीचर है, हम उनसे पूछते हैं कि सर यहाँ क्या हो गया यहाँ पे, मान लीजिए उन्होंने तो नहीं बताया। तो मान लीजिए एक मेरा कोई सीनियर ही फ्रेंड्स है, अगर मैं उससे पूछूं भाई यहाँ क्या हुआ, पुलिस क्यों आई है, तो वो बताया कि भाई दो पक्षों में या दो गुटों में लड़ाई हो गई है और किसी टीचर ने या किसी ने भी कंप्लेन दी है या किसी स्टूडेंट्स ने कंप्लेन दी है, इसलिए पुलिस आई हुई है, ये मैटर हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे मीनिंग का ये टॉपिक ख़त्म होता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें और आप चैनल से जुड़ने का यत्न करें, कोशिश करें। धन्यवाद आपका। नमस्कार। जय हिंद।